अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। देखिए बात ऐसी कि एपीएमसी के माध्यम से मुंबई इलाके के लोगों के लिए अनाज, मसाले हो, सब्जी हो, फ्रूट्स हो या प्याज आलू भी हो मिलना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस ढंग से शुरू में वहाँ पे व्यापार चालू हुआ, वो पूरे कोरोना के माध्यम से जो नियम दिए गए थे वो सब नियमों का उल्लंघन हुआ था। न कोई सैनिटाइजेशन था, न मास्क लोग पहनते थे, न सोशल डिस्टेंसिंग था, न उधर आने वाले लोगों की कोई रिकॉर्ड होती थी। जब हम लोगों ने एक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया, उसके बाद में 7 दिन के लिए उन्होंने रुकाया, फिर भी मैंने उनको एक पत्र लिखा कि जब तक यहाँ आने वाले व्यापारी हो, माथाड़ी हो, लेबर हो या और कोई परचेसर भी हो, ये लोगों के लिए आप लोग कौन सी सुविधा बना रहे हैं, उनको एक कोरोना का प्रादुर्भाव नहीं होगा, उसके लिए आपने क्या मेजर्स लिए हैं, तो वो देखने के लिए आज हम लोग एपीएमसी के दाना बाज़ार में गए थे। उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया है और वो लोगों ने, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहा है, एपीएमसी की यंत्रणा काम करी है और व्यापारी लोगों की यंत्रणा काम करी है। सैनिटाइजेशन हो रहा है वहाँ पे, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी चेक की जा रही है। ऐसे ढंग से बराबर कारोबार चले तो क्या दिक्कत है, उल्टा हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो रुग्ण बड़े हैं, ये 1200 के करीब है, उसमें से 400 एपीएमसी से कनेक्टेड है। अभी शुरू में कोई फिलीपाइन से कोई आदमी आया, उससे कारण वासी में थोड़ा फैला हो गया। बाद में अब्रॉड से कई लोग आए, वो अपने सीवुड में कई लोग फैला हो गया। बाद में जो चोर का झटका बैठा वो एपीएमसी से बैठा। माननीय महापौर जड़ी सुतार जी ने बोला था कि पत्र गवर्नर महोदय को भी लिखा था, मुख्यमंत्री को लिखा था, अपोजिशन लीडर को लिखा था, चीफ सेक्रेटरी सभी यंत्रणा को लिखा था कि अभी मुंबई में जो काम करने वाले, जो इसेंशियल सर्विस पे कहा जाने वाले पुलिस कर्मचारी हो, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, कोई बैंक के कर्मचारी, उनकी व्यवस्था उधर ही की जाए। तो वो आते हैं अपने घर में, घर वालों को कोरोना का प्रादुर्भाव होता है, बाद में अड़ोसी पड़ोसी को होता है, तो उसमें कोई उनसे कोई नफरत नहीं है। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में ऐसा निर्णय लेने की भी ज़रूरत थी, ऐसे महापौर ने बोला था और वो मैं उनके मत से सहमत था। देखिए अभी दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता यदि कोरोना का बाधा होने की संख्या कम हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। पूरी दुनिया फेस कर रही है, देश फेस कर रही है। दुर्भाग्य की बात है इसी कि भारत में ज़्यादा महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में ज़्यादा मुंबई और मुंबई के इलाके में है, तो कहाँ ना कहाँ अपना गलती हुआ है, गलती को कबूल करना पड़ेगा। और यानी सबको, हर घटक को अपनी गलती को कबूल करना पड़ेगा और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इस कालखंड में किसी को दोष देना ये कोई उचित बात नहीं है, लेकिन किसी ने गलती की है तो सुमोटो बोले कि भाई हमारा गलती हुआ, हम सुधार रहे, तो बहुत अच्छा है। जैसे व्यापारी लोगों ने आज बोला कि हमारा गलती हुआ है, हम सुधार रहे, यार सुधार लिया वो लोगों ने। अभी उम्मीद करते यार 4-5 दिन देखते हैं, ये अभी 103 तक गया आंकड़ा, 90 आया, 70 आया, अभी ये 50 आएगा, 40 आएगा, 30 आएगा, 10 और 0 हो जाएगा, उस दिन खुशी मनाएंगे। नहीं नहीं मैंने पत्र लिखा था 1000 बेड का हॉस्पिटल बना, अभी ये म्यूनसिपल कमिश्नर जी मिसाल जी ने बोला कि भाई हम सिडको एग्जीबिशन सेंटर में बना रहे, तो उन्होंने शुरुआत की है। अभी बात ऐसी कि भाई मानसून नज़दीक आ रहा है, मानसून के जरिए जो बीमारी फैल जाएगी वो जनरल यानी बीमार लोगों के लिए कोई हॉस्पिटल या आज नहीं रहा है। हमने पत्र लिखा है कि भाई ये कोरोना का जो हॉस्पिटल अपना FOB उधर बनाए अपना वासी में, वहाँ सिर्फ इधर उनको किया जाए और वासी का हॉस्पिटल जनरल जैसा पहले था ऐसा ही रखे। इसलिए आज मैं, मेरे सब साथी लोग इधर आए, हम लोगों ने वहाँ पे पूरी इंक्वायरी की, उसका ऑब्जर्वेशन किया और उनको गति से काम करने के लिए हमने चेतावनी दी है और वो काम गति से होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। 1-8 दिन के बाद ये हॉस्पिटल यहाँ पे
एक एक सेक्शन तो चालू हो जाएगा, उसके बाद में अभी जो परप्रांत में जाने वाले लोग हैं वो लोग थाना से ट्रेन गई, पनवेल से गई, कल्याण से गई, मुंबई से गई, नई मुंबई से कोई ट्रेन जाने का कोई खबर नहीं थी। दशरथ जी भगत ने मुझे बताया कि दादा ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने डीसीपी साहब से, धाने साहब से बात की, मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर मिसाल साहब से बात की और डिविजनल कमिश्नर मसूल डॉन साहब से बात की। मैंने बोला कि भाई लोग मैदान में है, बाल बच्चों के साथ में उनके खाने पीने की अव्यवस्था हुई है, तो उसके बाद में कल इनको इधर लाया गया और भाई अभी हमने इंक्वायरी की, आज उनको बुलाया है और हम लोग इस पर निगरानी रखे हुए हैं कि किसी भी हालत में ये कोरोना के कालखंड में इंसानियत के साथ ही सब काम चलना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई बिना दवा से नहीं रहना चाहिए। और इसके लिए हम पूरी यंत्रणा केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, महापालिका की यंत्रणा लगी हुई है, प्रशासन जो कलेक्टर यानी मसूल का कलेक्टर के माध्यम से, म्यूनसिपल कमिश्नर के माध्यम से, महापालिका का और सब एनजीओज भी है साथ में है, इसमें ऑल पार्टी के लोग भी काम कर रहे हैं और बहुत खुशी है कि ऐसे वक्त में एक दूसरे का मदद करना ये अपना फर्ज है। और इसके लिए हम लोग आज आए थे, जैसे एपीएमसी में विजिट किया, ये हॉस्पिटल के हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया और ये जो बाहर जाने वाले लोगों की जो दुख दर्द की कहानी है वो भी सुनी और उसको वो दर्द को निकाल के, दुख को निकाल के उनको अपने मकाम पे पहुंचाने के लिए हम लोग उनके साथ में रहने वाले, ऐसा वादा। नहीं देखिए बात ऐसी है कि मैंने एक दिन विनोद मैंने गुस्से में आके मैंने बोला था कि भाई एसी एपीएमसी ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, सब्जी मसाला दाने दाने, ये कोरोना का भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आप बनाना चाहते हैं क्या, ये मैंने बोला। उसके बाद में उन्होंने गंभीरता से उस पर कदम उठाए और मुझे उम्मीद है अभी आप अभी दो चार दिन ऑब्जर्व करेंगे, उसमें यदि एपीएमसी के माध्यम से बढ़ने वालों की संख्या और बढ़ गई तो फिर से उनको चेतावनी देनी पड़ेगी कि तुम लोग इस पर अभी बाहर के बाहर मुंबई के लिए मटेरियल लेके जाओ, सब्जी लेके जाओ, अनाज लेके जाओ, मसाला लेके जाओ। मुंबई इलाके के लोगों की असुविधा हुए ऐसे हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को मरने के लिए कोई कोई इलाज बनाता होगा तो वो लोगों को रोकने के लिए हम पूरे व्यवस्था करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो सोशल डिस्टेंस रख के हम लोग मोर्चा भी निकालेंगे। यानी ओके किसको अपमानित करने के लिए, किसका फेलियर दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे जनता के लिए हमें कदम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो हम बढ़ाएंगे, उग्र भूमिका अख्तियार करेंगे। नहीं नहीं देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वक्त ना आ जाए, लेकिन ये लोग ऐसे बेपरवाह रहे और जिससे आंकड़ा बढ़ते जाएगा तो हम लोगों को वो कदम बड़ा उठाना पड़ेगा। नहीं देखिए बात ऐसी कि हॉस्पिटल में जो बॉडी है उसके रिश्तेदार की आइडेंटिफिकेशन होके ही उसको देनी चाहिए और गलत किसी आदमी के हाथ में जाए तो ये गंभीर भाव है। मैंने पूरी यानी जो कुछ जो बॉडी लेने के लिए आया है उसकी आइडेंटिफिकेशन करके उसका रिश्ता नाता क्या है पूरा उसकी क्लियरिटी आने के बाद में बॉडी हैंडओवर करनी चाहिए। नहीं 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 ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैंने पत्र लिखा है कि जो आपका कोरोना का कारोबार है जो ट्रीटमेंट करने का उसका चालू रखो, लेकिन डायलिसिस मशीन के लिए कई यहाँ के लोग बोलते हैं कि उधर जाओ उधर जाओ, उधर नहीं महापालिका में होना चाहिए और उस पर हमारी सख्त नज़र है और वो हम करवाएंगे। नहीं नहीं अभी 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 इसकी जाँच हो जाएगी, यदि कुछ किसी डॉक्टर ने या किसी प्रशासकीय यंत्रणा के अधिकारी ने लापरवाही की होगी तो उसकी एक वो परिवार का एक पत्र लेके या मैं सुमोटो बींग एमएलए मैं उसकी इंक्वायरी करने के लिए पत्र लिखूंगा।